सोचिए आप किसी सुनसान इलाके में हो और आपको कुछ ऐसी आवाज़ें सुनाई दे। तो भैया वहाँ से तुरंत खिसक जाओ क्योंकि ये आवाज़ है सायरन हेड की। जी हाँ, ये वही सायरन हेड है जिसका जिक्र मैंने पिछले लॉन्ग वॉर्स के वीडियो में किया था, जहाँ लॉन्ग वॉर्स इंसानों का सबसे बड़ा रक्षक होता है। वही सायरन हेड इंसानों का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, दोस्त का दुश्मन दुश्मन होता है। इसी कारण सायरन हेड लॉन्ग वॉर्स का सबसे बड़ा दुश्मन है। जहाँ लॉन्ग वॉर्स लोगों को मुसीबतों से बचाता है, वही सायरन हेड अपनी आवाज से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है और अपने बड़े और नुकीले नाखूनों से नोच कर उसे मार डालता है। कौन है ये सायरन हेड, कहाँ से आता है ये और कहाँ जाता है, और जानेंगे इसकी पूरी कहानी इसी वीडियो में। इसलिए वीडियो को स्किप मत करना और लास्ट तक जरूर देखना। सायरन हेड एक 40 फीट ऊंचा एक खतरनाक मॉन्स्टर होता है। ये काफी लंबा और डरावना प्राणी है। ये काफी दुबला पतला होता है। इसका शरीर जंग लगे लोहे से बना हुआ होता है। इसके सर की जगह दो बड़े बड़े सायरन लगे हुए होते हैं, जिससे ये अजीबोगरीब आवाजें निकालता है, जिससे लोग उसकी ओर आकर्षित होते हैं। इसका शरीर पतला होने के कारण ये पेड़ों के पीछे आसानी से छुप सकता है। कभी कभी सायरन हेड की आवाज इतनी तेज होती है कि लोग इससे बहरे हो जाते हैं और पागल भी हो सकते हैं। सायरन हेड घने जंगलों में रहता है और वहां से आने जाने वाले लोगों को शिकार बनाता है। कुछ लोगों का कहना है कि सायरन हेड सबसे पहले तो वो उसकी आवाज निकालता है जिसे आप सबसे अधिक चाहते हो, फिर आप ये आवाज सुनकर उसे ढूंढने लगते हैं तो आपको दिखाई देता है सायरन हेड, फिर आपका बचना आसानी नहीं नामुमकिन हो जाता है। कुछ लोग ये दावा करते हैं कि इन्होंने सायरन हेड को अपनी आंखों से देखा है और उसे अपने कैमरे में कैद कर लिया है। यहाँ पर एक औरत एक ब्रिज पर अपने फोटो खिंचवा रही होती है, तब अचानक से इसके पीछे पहाड़ पर एक सायरन हेड आ जाता है। इसे देखकर ये लोग दौड़ने लगते हैं। मुझे ये वीडियो रियल नहीं लग रही है, ये केवल एनिमेशन और एडिटिंग का कमाल है जैसे ये वीडियो बनाई गई है। ये लड़की एक सुनसान सड़क पर साइकिल पर से जा रही होती है, तब उसे सायरन हेड की आवाज सुनाई देती है। तब ये अपने मोबाइल का कैमरा चालू कर देती है, फिर उसे थोड़ी देर बाद दिखाई देता है सायरन हेड। कई सारे लोग इसे कैमरे में कैद करके ये बताते हैं कि इन्होंने अपनी आंखों से सायरन हेड को देखा है। कहानी के अनुसार सायरन हेड केवल 40 फीट तक लंबा हो सकता है, लेकिन इस वीडियो में मुझे कुछ ज्यादा ही लंबा दिख रहा है। सायरन हेड के लंबे होने का एक तो फायदा ये है कि ये आपके घर में नहीं घुस सकता। अब तक के अनुसार सायरन हेड इंडिया में कहीं पर भी नहीं देखा गया है, इसलिए आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ये इंडिया में आ गया तो इंडिया के लोग इसके सायरन को उखाड़ कर अपनी बाइक और साइकिल पर जरूर टांग देंगे। अगर आप गूगल पर सर्च करोगे SCP-6789 तो आपको केवल और केवल सायरन हेड ही दिखाई देगा। सायरन हेड के बारे में इतना सब कुछ तो जान लिया है, चलो अब जानते हैं कि ये कहां से आता है और कहां जाता है। ऐसा कहा जाता है कि सायरन हेड डेविल की दुनिया से आता है और फिर वही वापस चला जाता है, और ये भी कहा जाता है कि एंडरमैन और लॉन्ग वॉर्स भी इसी दुनिया से आते हैं और वही पर वापस चले जाते हैं। सायरन हेड को 2018 में कनाडाई डिजाइनर, कलाकार और कॉमिक निर्माता जिनका नाम है ट्रेवर हेंडरसन, उन्होंने उसे डिजाइन किया था। जी हाँ, सायरन हेड कोई असल जीवित प्राणी नहीं है, ये केवल एक काल्पनिक आर्ट है जो दिखने में काफी खूंखार है। इस कारण इतना फेमस हो गया है कि ये GTA 5 गेम में भी आने लगा है और इसका एक खुद का गेम भी है। जितने भी लोग ये दावा करते हैं कि इन्होंने सायरन हेड को अपनी आंखों से देखा है, ये सभी झूठे होते हैं और बनाए के सारे वीडियो फेक होते हैं। इस प्रकार के किसी भी अंधविश्वास पर आपको विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर से कर देना और सब्सक्राइब का बटन जरूर क्लिक कर देना, क्योंकि इस चैनल पर आपको हमेशा सही जानकारी मिलती रहेगी। और अगर आप लॉन्ग वॉर्स के बारे में वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दी हुई है, वहां से आप लॉन्ग वॉर्स के बारे में पूरा वीडियो देख सकते हो।